श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उस दंपतियों के बारे में जिनके शादी को बहुत साल हो गए, बहुत महीने हो गए। वो अपने जीवन में एक सपना लेके एक प्रयास करते हैं संतान प्राप्ति का, कि हमारे घर लड़का आएगा या लड़की आएगी, हमारी गृहस्थी आगे बढ़ेगी, हम जीवन के हर पड़ाव को पार करेंगे। और एक लड़की के जीवन के अंदर दो बहुत खुशी वाले दिन होते हैं, एक तो माँ बनना और एक है उनकी शादी का होना। तो शादी का उसका सपना पूरा हो जाता है, पर जब माँ बनने की बारी आती है, यानी उस खुद को एक कहते हैं माता बनने की बारी आती है, तो कोई कारणवश, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे नज़र दोष हो, चाहे वास्तु दोष हो, चाहे कुंडली के अंदर ऐसा दोष हो, या कोई भी भूमि का ऐसा दोष हो, कि कहीं ना कहीं उसके जीवन में ये समस्या आती है और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, यानी गर्भवती नहीं हो पाती। कभी ऐसा भी होता है कि उसको गर्भ रह जाता है, पर किसी ना कारण सर, उसकी लाइफस्टाइल के कारण सर, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के कारण सर, उस पर बहुत सारा टेंशन आ जाता है। उसकी लाइफस्टाइल इतनी डिप्रेशन में होती है, इतना दिन रात काम करती है, तो भी उसकी मिसकैरेज यानी गर्भपात हो जाता है। तो यहाँ पर हस्बैंड की बहुत बड़ा फर्ज है कि ऐसे दिनों में पत्नी को फुल सपोर्ट करे, अगर गर्भ नहीं रह रहा तो भी इसके साथ पॉजिटिविटी रखे, उसको हर तरह से उसको सहारा दे, उसको मेंटली सेटिस्फाइड करे, शारीरिक उसको सपोर्ट करे, मानसिक उसको सपोर्ट करे, उसको हफ्ते में दो बार बार घूमने ले जाए, जिससे उसकी पॉजिटिविटी कहीं कम ना हो। ये सब क्या है जीवन में, ये कष्ट होना, ये पति पत्नी दोनों का इसमें योगदान है। कभी पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट खराब होती है तो कभी पति की मेडिकल रिपोर्ट खराब होती है, पर ये सब है दुनिया की जो बातचीत है, दुनिया के जो कारण है, वास्तु का जो कारण है, उससे भी बड़ी एक दुनिया है हमारे भगवान की दुनिया। अगर वो चाहेंगे तो कोई भी प्रकार की रिपोर्ट फेल हो जाती है, कोई भी प्रकार का वास्तु दोष फेल हो जाता है, और कोई भी प्रकार का कहते हैं नज़र का भी दोष और कोई भी टोटका फेल हो जाता है, उसको गर्भ रहता है। यहाँ पर पॉजिटिविटी और अच्छे दिन की वेट करनी है, हमेशा खुश रहना है, हमेशा भगवान की पूजा करनी है, अर्चना करनी है और भगवान में विश्वास करना है। यहाँ पे हम आपको दो टिप्स दिखाएंगे। अगर आपके घर के अंदर समझिए ईशान कौन डिस्टर्ब है, तो आपको संतान प्राप्ति के अंदर हमेशा विघ्न आएगा या गर्भपात होने की समस्या बढ़ जाएगी। ईशान कौन यानी उत्तर और पूर्व दिशा। उत्तर और पूर्व दिशा के अंदर अगर आपके शौचालय है, किचन है, या वो कोना कट है, या वहाँ पर स्टेयर केस है, तो खास देखा जाता है कि सब कुछ अपने पक्ष में होने के बाद हमें संतान प्राप्ति में कुछ ना कुछ अड़चन आती है। या फिर आपकी अग्नि कोण साउथ ईस्ट कॉर्नर, दक्षिण पूर्व कॉर्नर, वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, कोना कटा हुआ है, बड़ा हुआ है, या फिर वहाँ पे शौचालय है, तो ये भी एक चांस है आपके सपने को पूरे नहीं होने देने का। फ्रेंड्स, अगर ऐसा कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो आप अपने किसी भी एक वास्तु कंसल्टेंट को कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपका माता पिता बनने का सपना अधूरा रह रहा है, तो अगर भगवान की दया है आप माता पिता बन चुके हो तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आपके वहाँ पे ज़्यादातर कन्या का जन्म हो रहा है तो भी ये दो कोने बहुत ही जवाबदार है कि ऐसा कोई वहाँ पे वास्तु दोष हो तो उसका निवारण कीजिए, तो आपको पुत्र प्राप्त की आपकी मनोकामना पूर्ण हो। कन्या और पुत्र के अंदर हमें भेदभाव रखना नहीं है, पर जिस तरह से संसार में हमारा कहता है वंश चलना चाहिए, इसके लिए एक फैक्टर एकदम कंप्लीट है, वो चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी। आज आपके घर का एक वास्तु दोष आपकी पत्नी में, पत्नी के जीवन के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स ला रहा है, जो आप नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। आप भी चाहते हो कि हमारी गृहस्थी आगे बढ़े, पर क्या करें, हम पुरुष हैं, हमें काम पे और हमें घर चलाने पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ऐसी प्रॉब्लम्स के को छोड़ के भी। और एक बात मैं आपको बता दूँ, जब तक आपके अच्छे दिन नहीं आएंगे, यानी ये संतान नहीं होने का एक खाली एक बहाना है, जब तक आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ तरक्की नहीं होगी, तो इंसान तरक्की को किस चीज़ों के साथ जोड़ता है, एक तो सबसे पहले खुद का मकान, खुद की कार और अच्छा सेटलमेंट यानी स्टेबिलिटी। अगर आपके बच्चे को उसके खुद के मकान में पांव रखना है या खुद की गाड़ी में हॉस्पिटल से घर पे आना है, जब तक आपका ये पूरा स्टेबिलिटी नहीं आएगी, खुद का मकान नहीं होगा, खुद की गाड़ी नहीं होगी, समझ लेना कि संतान में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी।
ये जो सेंटेंस है ये आपको पॉजिटिविटी के लिए है। आप जल्दी से तरक्की कीजिए, जल्दी से अपने सपने को साकार कीजिए, क्या पता आपकी कार और मकान आने के बाद आपकी पत्नी गर्भवती बन जाए। अगर और कोई समस्या सता रही है, सब कुछ होने के बाद आपके घर के अंदर कहते हैं पालना नहीं बंधा, तो भगवान श्री कृष्ण की एक छवि आपके बेडरूम में जहाँ आपकी पत्नी सोती है उसके सामने नंद गोपाल बाबा की एक छवि रखिए। मंदिर में संतान गोपाल यंत्र की स्थापना कीजिए और हो सके तो कछुआ, वंश वृद्धि बढ़ाने के लिए कछुआ, वंश वृद्धि बढ़ाने के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए एक टटल फैमिली। तो ये टटल फैमिली मैं आपको बता रहा हूँ, ये टटल फैमिली आप मार्केट से लेके आइए, ये तब जब किया होना चाहिए, इसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए, रेकी से चार्ज किया होना चाहिए, हील किया होना चाहिए। इसको आपके बेडरूम के नॉर्थ साइड नॉर्थ दिशा में रख दीजिए, यानी नॉर्थ दिशा में रखना है, नॉर्थ की तरफ मुंह रखना है। ये आपके ड्राइंग रूम में नॉर्थ दिशा में नॉर्थ की तरफ मुंह रखिए, आपके मंदिर के अगल बगल नॉर्थ दिशा में नॉर्थ की तरफ मुंह रखिए, और आपके ऑफिस में भी नॉर्थ दिशा में नॉर्थ की तरफ मुंह रखिए। कछुआ एक संतान प्राप्ति के योग लाता है, वंश वृद्धि को बढ़ाता है, घर में सौभाग्य लाता है, विष्णु भगवान की उपस्थिति है, लक्ष्मी का वाहन है, घर में धन आता है, समृद्धि आती है, लाइफस्टाइल चेंज हो जी, घर में प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, जनरेशन गैप दूर होगा। ये समझिए कि आपके पापा है, ये आप हो, ये आपके आने वाली पीढ़ी है, तो इनकी जो जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप भी दूर होगी, सोच एक होगी, घर में सुख शांति बढ़ेगी और हर तरह से आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। ये आपकी सास, ये आप खुद और ये आपकी बेटी, यहाँ पे भी ये कंसेप्ट घर में से कलेश दूर करेगा। तो एक कछुआ आपके घर के अंदर क्या परिणाम लाता है, क्यों कछुए को इतना महत्व दिया गया है, क्यों कछुआ घर में स्थापित किया जाता है, आपके जीवन के अंदर सौभाग्य नहीं है, आपके जीवन में संतान नहीं है, आपके जीवन में कलेश है, माता पिता पुत्र का बन नहीं रहा, दादा का नहीं बन रहा, फैमिली जनरेशन नहीं बन रही, कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, हॉट आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, घर में यूनिटी नहीं है, तो हर समस्या का एकमात्र समाधान टटल फैमिली। ये फैमिली को घर में लेके आइए और देखिए आपके जीवन के अंदर क्या सौभाग्य प्राप्त होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।